प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने मध्य प्रदेश में तीसरी लहर से निपटने के चल रहे उपायों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि दिसंबर तक हम मध्य प्रदेश की 70% आबादी को पूरे टीके लगवा देंगे, यही हमारा लक्ष्य है। शिवराज सिंह चौहान ने मोदी को बताया कि मध्य प्रदेश में 21 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह ट्वीट कर लिखा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के मूल मंत्र के साथ केंद्र सरकार भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में बदल रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल एक सरकारी नीति नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा बिजली कनेक्शन, बैंक ऋण प्रदान करने और सड़कों के जाल बिछाने जैसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आर्थिक विकास समाज के सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन सदैव मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन ऑफ आइडियाज हैं। उन्होंने कहा, राज्य के विकास के अनेक मुद्दे, जन कल्याण के मुद्दे, कोरोना कंट्रोल करना, वैक्सीनेशन अभियान सहित अनेक विषयों पर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में 21 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन आगे थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाए इसमें हम पूरी ताकत से जुड़े हैं। इसलिए अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना ताकि अगर कहीं अलग किसी पॉजिटिव केस आता रखने की जरूरत हो तो वो रखते रहें, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण आयाम है वैक्सीनेशन का हमारा कार्यक्रम। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, वैक्सीनेशन के काम को पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया। वैक्सीनेशन का अभियान 21 जून से उस अभियान को हम लॉन्च करेंगे मध्य प्रदेश में भी, और निशुल्क वैक्सीन पूरे देश को केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी लगवाएंगे। हमने वैक्सीनेशन के अभियान पर, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है और बीच में वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाए गए थे, उन भ्रमों को भी दूर करके व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा। उसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। 21 जून को मध्य प्रदेश में मैं स्वयं, सारे मंत्री, विधायक, सांसद, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज, मध्य प्रदेश की प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों की जो हस्तियां हैं वो सब वैक्सीनेशन के अभियान के लिए निकलेंगे और एक निश्चित समय सीमा में वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए। प्रधानमंत्री जी हर विचार को सुनते हैं और सुन के फिर राज्यों के या जनता के हित में फैसले करते हैं। ऐसे अनेकों किसानों के, गरीबों के मुद्दों पर और प्रदेश की स्थितियों पर चर्चा हुई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।